इंडिया आईटी में बहुत ज्यादा आगे है, नहीं चाहिए, लेकिन जो आईटी की फील्ड में है ना उसका स्कोप इतना ज्यादा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत ज्यादा है। क्या बोला तूने? लेकिन इधर यहाँ पे रुझान इधर इस तरह का इतना ज्यादा नहीं है आईटी में, इंडिया बिल्कुल इस चीज में बहुत आगे है। ठीक है, सही पकड़े हैं, हमारे लोगों में भी किसी की कोई कमी नहीं है। अच्छा, निजाम बहुत पिछड़ आ गया हमारा, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं पाकिस्तान से रिलेटेड एक और न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान की जो एजुकेशन है सिस्टम, एजुकेशन जो सिस्टम है ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान में भी डेवलप हो, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो सरकार है सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगी हुई हैं। उन्हें हम पाकिस्तानी स्टूडेंट से उनके मुंह से ही ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन जो है वो कितनी नीचे है। हाँ, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय श्री राम। सर, आप स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? मैं जीसी में अपना बीएस कॉमर्स कर रहा हूँ। और आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है पाकिस्तान इंडिया जो एजुकेशन सिस्टम, कि किस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, और लिटरेसी रेट की बात करें तो पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, बताएंगे आप? देखें जी, इसमें जो ज़्यादा मेन रीज़न मेरी समझ में है वो ये है कि इंडिया आईटी में बहुत ज़्यादा आगे। ठीक है, वैसे तो हर चीज़ में जो है तरक्की इंसान को करनी चाहिए, लेकिन जो आईटी की फील्ड में है ना उसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर यहाँ पे रुझान इधर इस तरह का इतना ज़्यादा नहीं है आईटी में कि लोग इतना ज़्यादा इस तरफ आए, वरना मुल्क की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है अगर सिर्फ आईटी के एक फील्ड को पकड़ लेना। बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है आईटी में ना? जी, इंडिया बिल्कुल इस चीज़ में बहुत आगे है। ठीक है, तो मानते हैं हम, लेकिन हमारे लोगों में भी किसी की कोई कमी नहीं है। अगर इस तरफ इनका रुझान लाया जाए, ई कॉमर्स इन लोगों को बताई जाए क्या चीज़ है, सोशल मीडिया या जो आज का अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा प्रोवाइड नहीं हो रही। अपॉर्चुनिटीज दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की भरपार। अगर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है तो फिर हम अवेल क्यों नहीं कर रहे उसे, पाकिस्तानी स्टूडेंट उसको अवेल क्यों नहीं कर रहे? उसको अवेल, एक तो ये चीज है कि लोग अवेयरनेस नहीं लोगों को दी जा रही। अगर लोगों को अवेयरनेस दी जाए तो लोग इस तरफ आए, लोगों को नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जीसी यूनिवर्सिटी, ये फैसलाबाद की मेरे ख्याल में टॉप की यूनिवर्सिटी है, अगर उसका ये हाल है तो बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? बाकी देखा जाए तो हर जगह एक उस्ताद ही है जो के स्टूडेंट को सही ट्रैक पे ला सकता है। ये किसी इदारे का या यूनिवर्सिटी का नाम होना ज़रूरी नहीं है, उसमें काम करने वाले स्टूडेंट या उस्तादा जो हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अवेयरनेस दें और लोगों को मज़ीद ग्रूमिंग उनकी करें तो उनको ये बताएं, उनके अंदर ये चीज़ लाएं। अच्छा, आप बताएंगे लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम क्यों है इंडिया से? लिटरेसी रेट बेसिकली कम इसलिए है कि कह लें आप, अगर कोई हुकूमत कोई चेंज होती है तो उसको चाहिए कि एक सूटेबल प्लेटफॉर्म ना उनको प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को ई कॉमर्स के रिलेटेड। और बेसिकली है ना, तलीमी निज़ाम बहुत पीछे रह गया हमारा, उसकी वजह ये है कि कोई भी हुकूमत लगाई है तो उसने ज़्यादा स्कूल में गौर नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट की जो है वो तवज्जो इस तरफ नहीं है, इस सेक्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इंडिया के जो आप देखेंगे, अगर बात की जाए इंडिया के स्टूडेंट्स की, तो वो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के जो जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर सीईओज हैं वो इंडियन हैं, और पाकिस्तानी स्टूडेंट इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो ये तो हमारे जो हमारी कमी है ना, गवर्नमेंट को इसमें हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसकी क्या रीज़न है कि आया इंडियन स्टूडेंट हमसे ज़्यादा लायक हैं, ये क्या वजह है? इंडियन स्टूडेंट या पाकिस्तानी स्टूडेंट लायक दोनों ही हैं, सिर्फ इसमें फ़र्क इस चीज़ का आता है कि वहाँ के लोग जो है वो अवेयरनेस देते होंगे। अच्छा, वहाँ का एक बच्चा अगर देखे ना, वो फिफ्थ क्लास का बच्चा, उसकी इंग्लिश को अगर पाकिस्तानी एक ग्रेजुएट के साथ कंपेयर करें तो वो उनका लहजा और स्टाइल और वो बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश, जबकि हमारे यहाँ पर जो बोलने का तरीका वो ऐसे ही जैसे हम पंजाबी बोल रहे हैं, या उसमें भी हमारी मिस्टेक्स होती हैं। और ये क्या वजह है, वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट क्यों हैं हर चीज़ में? एक माशरे का बेसिकली बहुत रोल होता है ना, एक अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या कोई भी इंसान की ज़िंदगी ऊपर माशरे का बहुत असर होता है। और बेसिकली अगर हमारे देखा जाए तो इधर अगर हम बच्चों घर में बेसिकली तरतीब दी जाती है बच्चों को कि उर्दू बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, उस हिसाब से फिर होता है। वैसे
अगर कहा जाए कि आप कह रहे हैं ना कि वो पीछे रह गए पाकिस्तान स्टडी सिस्टम में, तो उसकी बेसिकली वजह यही है कि अब हम वो देखें इंडिया भी हमारे साथ ज़्यादा हुआ था। जब हम अपने बच्चों को अफगान जिहाद पे भेजते थे तब वो अपने बच्चों को मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भेज रहे थे, ठीक है। बेसिकली जो एक कौम जब तरक्की करती है ना तो वो यहाँ तो वो तब तरक्की करती है जब वो एक अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम होता है दुनिया में, ठीक है। अगर वो बच्चों को उस हिसाब से फैसिलिटेट करेंगे, ठीक, उनको मेंटोर देंगे, कोई प्लेटफॉर्म देंगे, फिर उस हिसाब से एक माशरा तरक्की करता है। मेंटोर अच्छा होगा तो स्टूडेंट भी अच्छा हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मेंटोर के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज और बताएं कि आप जब आपका ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, एजुकेशन कंप्लीट करके आपको नजर आ रहा है फ्यूचर अपना कोई यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बहुत फ्यूचर है पाकिस्तान में, हर चीज में बहुत स्कोप है। आप अपने फ्यूचर की बात करें कि आपकी जब स्टडी आप क्या कंप्लीट क्या करें, सॉरी आप बीएस कॉमर्स कर रहा हूँ, इस चीज में भी बहुत स्कोप है। हर कंपनी में अकाउंटिंग का बंदा चाहिए होता है, तो ये स्किल टू स्किल डिपेंड करता है कि जो अपना स्किल जितना अच्छा कर लेगा, जिसको जितना अच्छा, वही बात वहीं पे मेंटोर अच्छा मिल जाए तो यहाँ भी किसी चीज की कमी नहीं है। अवेयरनेस की कमी है, ग्रूमिंग की और डिपार्टमेंट बनने चाहिए इस तरह के, जैसे कि कासिम अली शाह साहब का मोटिवेशनल फाउंडेशन है, इस तरह के अदारे हों जो लोगों को मोटिवेट करें और उनकी ग्रूमिंग करें। अच्छा, जैसे इंडिया ने बिल्कुल आईटी के लिए पूरा का पूरा एक शहर आबाद किया, आपको शायद इल्म हो आपके, पाकिस्तान में इस तरह का कोई मॉडल सिटी क्यों नहीं डेवलप हो रहा कि जिसमें इसमें जुडिशियल निज़ाम जो होता है ना मुल्क का, वो बहुत इफेक्ट करता है। आप देखें वकार दका ने एक कंपेन चलाई थी जो उसका है वो क्रिप्टो करेंसी पे, लेकिन एलिगेशन बहुत बड़ा लग रही है इसके ऊपर, ये वजह है। तो अगर एक जुडिशियल निज़ाम होगा, एक पोलिटिकल निज़ाम होगा, हमारे जो पोलिटिशियन वगैरह भी हैं वो भी आप देख लें कि इस लिहाज में बहुत पीछे हैं। अगर एक पढ़ा लिखा बंदा हमारे को हुक्मरान होगा ना तो ज़्यादा डिवेल्प होंगे ये चीज़ें, बिल्कुल ये चीज़ होती है इसमें। अब जो हमारा निज़ाम है वो काफ़ी पुराना है, ठीक है। अब जो एक नया बंदा आता है, जो हम देख रहे हैं जो दुनिया में किस हिसाब से इकोनॉमिक हम जा रहे हैं, अब जैसे आपने बात की हमारा हुक्मरान ज़्यादा पढ़ा लिखा, अब मोदी जी की बात करें, वहाँ इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन वो फिर आगे हमसे क्यों निकल रहे हैं? वहाँ पर तो ये मिसाल बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही। वो इसलिए निकल रहे हैं कि देखें वहाँ पर अगर मेरिट है, मेरिट बहुत चीज़ होती है कि अगर बंदा कोई मेरिट पर आता है तो ख्वाब वो आपका महकमा तलीम का कोई हो या कोई भी हो, अगर अगर जिस मुल्क में मेरिट नहीं ना तो वो दरी। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और आपने इसको लाइक भी कर दिया होगा। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि जो इंडिया है उनकी एजुकेशन उनको मिले, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, उनके में पता नहीं 90s की जो एजुकेशन है वो आज चलती हुई आ रही है, जो न्यू बुक्स हैं उनमें डेवलप नहीं हो पा रही है, चेंज ही नहीं हुई है वो बुक्स अभी तक। और कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो उनके टीचर्स हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मैं उसको आपको एक कारण बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मदरसों में पढ़े हुए जो टीचर्स हैं वो अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो खाक देश आगे चलेगा उनका। जब देश ही आगे नहीं बढ़ेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? बात तो सही है। सब भूखे ही मरेंगे ना, जिस तरीके से आज आटा का क्राइसिस चल रहा है उस तरीके से तो होना था पाकिस्तान के साथ। तो आप लोग हमें ये बताइए कि क्या हमें, मतलब पाकिस्तानी लोगों को इंडिया की एजुकेशन थोड़ी देनी चाहिए? नहीं। पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ना है, आगे अपने लाइफ में कुछ करना है, वो यूट्यूब पे सर्च करके या के जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो वीडियोज़ देख के पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एजुकेशन सिस्टम ही एकदम ख़राब है। क्यों? क्योंकि जो उनके टीचर्स हैं वो मदरसों में पढ़े हुए हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान इस हालात में है। हम दोनों ही एक साथ आज़ाद हुए थे, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तान और इंडिया। वो अपने आप को आगे दिखाने में कभी भी पीछे नहीं रहा है, वो हमेशा अपने आप को हिंदुस्तान से ऊपर ही समझता है। आप लोग भी जानते हो कि अगस्त को हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे, बट पाकिस्तान को ये गवारा नहीं था कि वो दोनों ही एक ही दिन सेलिब्रेट करे। उनको हमेशा हिंदुस्तान से आगे ही रहना था, इसलिए उन्हें फिर भी पाकिस्तान हमसे आगे नहीं है। डेट चेंज कर देने से क्या उनकी एजुकेशन सिस्टम, क्या उनके जो हालात है आजकल के वो चेंज हो जाएंगे? आप लोग हमें ये ज़रूर बताइए कमेंट में। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हम मिलते हैं ऐसी कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम। तो और कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।